ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। थाईलैंड में वॉर्न की मौत एक विला में हुई जहां पर वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। इस मामले में अभी तक कई तरीके के अपडेट सामने आए हैं और पुलिस की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। शेन वॉर्न से निधन से जुड़े कुछ मामले अभी तक क्या क्या हुआ वो इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल शेन वॉर्न का निधन 4 मार्च को हुआ जब वो थाईलैंड के एक विला में रुके हुए थे। शेन वॉर्न की मौत हार्ट अटैक की वजह से। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक शेन वॉर्न को जब अटैक आया तब उनके साथियों की ओर से उन्हें CPR दिया गया था। इस बीच वॉर्न के मुंह से खून भी निकला था जिसके धब्बे उनके कमरों में पाए गए। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक शेन वॉर्न को जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था उसी वक्त उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। इसी एम्बुलेंस के पास एक जर्मन महिला थी जो शेन वॉर्न के शव के पास दिखाई दी थी। ऐसे में थाईलैंड पुलिस ने इस महिला से पूछताछ भी की। वो शेन वॉर्न की फैन थी। इसके अलावा वॉर्न के सामुजान विला की कुछ CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी हैं। इससे खुलासा हुआ है कि शेन वॉर्न की मौत से पहले विला में कुछ महिलाएं आई थीं जिन्हें मसाज के लिए बुलाया गया था। शेन वॉर्न और उनके दोस्तों ने इन महिलाओं को बुलाया था। इन्हीं महिलाओं में से एक ने खुलासा किया था कि जब वॉर्न के कमरे के वो पास गई तब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। शेन वॉर्न ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। ऐसे में उसने अपने बॉस को सूचित कर दिया था। बता दें कि CCTV फुटेज से सामने आया कि जिस वक्त शेन वॉर्न की मौत की जानकारी मिली थी तब 4 महिलाएं रिजॉर्ट से निकल रही थीं। इनमें से 2 महिलाएं शेन वॉर्न से दोस्ती की मसाज कर रही थीं। हालांकि शेन वॉर्न के पास कोई महिला नहीं जा सकी थी। इन सब बातों के तर थाईलैंड पुलिस ने साफ किया है कि शेन वॉर्न की मौत में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं दिखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक ही बता रही है। ऐसे में पुलिस ने आगे किसी और पर कोई शक नहीं जताया। हालांकि आखिरकार शेन वॉर्न की मौत की असली वजह क्या है ये चौंकाने वाली है क्योंकि अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नए नए तथ्य सामने निकल कर आते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।